बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। दोस्तों आज हम मौजूद हैं महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब के सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद में। आज की इस वीडियो में आपको नीली रावी नस्ल के आला पैदावारी रिकॉर्ड के हामिल जो सांड हैं, जो बुल्स हैं, वो दिखाए जाएंगे। इस वीडियो में आपको हर बुल का कोर नंबर भी बताया जाएगा, उसकी तारीख पैदाइश भी बताई जाएगी और साथ में उसकी जो माँ का दूध की पैदावार है, जो मिल्क रिकॉर्ड है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स दोस्तों ये बुल्स तैयार किए जा रहे हैं, इनको नहलाया जा रहा है। इसके बाद इनको वन बाई वन आपको हर बुल दिखाया जाएगा, उसकी जो बुल नंबर है वो बताया जाएगा, उसकी तारीख पैदाइश बताई जाएगी और उसकी माँ का जो दूध की पैदावार है वो आपको बताई जाएगी। दोस्तों सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद ज़िला साहिवाल में वाकई है। ये वाहिद इदारा है जो ISO सर्टिफाइड 9001:2015 है। इस इदारे में जो हमारी मकामी दुधेल जानवरों की नस्लें हैं, जैसे कि साहिवाल और नीली रावी नस्ल की भैंस है, उनके आला शजरा नसब और पैदावारी खसूसियात के हामिल नर जानवरों को रखा जाता है और उनसे सीमन लिया जाता है और सीमन लेबार्टी में तैयार किया जाता है और फिर पूरे पंजाब में हर तहसील में हर यूनियन काउंसिल में ये सीमन पहुंचाया जाता है। आज की इस वीडियो में यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जनाब डॉक्टर साजिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पर आपको हर जानवर का रिकॉर्ड, उसकी तारीख पैदाइश, हर चीज़ बताएँगे। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका रिकॉर्ड हमें खुद बताएं। बुल नंबर क्या वो भी 1180, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2015 और इसकी माँ की दूध की पैदावार है 3710 लीटर 305 दिनों। दोस्तों वीडियो में चूँकि शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब के बाद मैं भी कोशिश करूँगा कि हर बुल का कोड और उसकी डिटेल उसके साथ शेयर कर दी जाए। दोस्तों ये बुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 1180 है और इसकी तारीख पैदाइश है 26 जुलाई 2015 और इसकी जो माँ की दूध की पैदावार है वो 3710 लीटर पर लैक्टेशन यानी कि 305 दिनों में है। अगला बुल दिखाते हैं जी, क्यों भी डैश 10/22, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 15 सितंबर 2011 और इसकी माँ की दूध की पैदावार है 24 लीटर पर डे। फ्रेंड्स इस बुल का जो कोड नंबर है वो वीडियो में दर्ज है, QB1022 है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 2011 है और इसकी माँ की दूध की पैदावार 24 लीटर पर डे है। अगला बुल दिखाते हैं आपको, 10/23, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 15 अक्टूबर 2011 और इसकी माँ की दूध की पैदावार है 21 लीटर पर डे। माशाल्लाह जी, बड़ा ही खूबसूरत नीली रावी नस्ल का आला पैदावारी खसूसियात का हामिल नर जानवर ये QB1023 है। इसकी तारीख पैदाइश 15 अक्टूबर 2011 है और इसकी जो माँ की दूध की पैदावार है फर्स्ट टाइमर की वो 21 लीटर पर डे है। अभी आपको अगला बुल दिखाते हैं, बुल नंबर QB
41। इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 12 जुलाई 2017 और इसकी माँ की दूध की पैदावार है 15.5 लीटर पर डे। दोस्तों ये खूबसूरत सांड जो आपको नज़र आ रहा है इसका नंबर QB1241 है और इसकी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश इसकी 12 जुलाई 2017 है और इसकी मां की दूध की पैदावार 15 से 18 लीटर पर डे है फर्स्ट टाइमर की। बुल नंबर 1120, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 19 जुलाई 2014 और इसकी मां की दूध की पैदावार है 17 लीटर पर डे। ये बुल नंबर QB1120 है, इसकी तारीख पैदाइश 19 जुलाई 2014 है और इसके माँ की दूध की पैदावार 17 लीटर पर डे है। बुल नंबर QB1213, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 10 सितंबर 2015 और उसकी माँ की दूध की पैदावार है 20 लीटर पर डे। माशाल्लाह दोस्तों ये बुरा पंज कल्याणी बड़ा फेमस बुल है और पाकिस्तान में ये बड़ा मशहूर है। इसका नंबर QB1213 है और इसके जो बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी दोस्त इस बुल के जो बच्चे हैं वो ले भी चुके हैं और इसकी जो तारीख पैदाइश है वो 10 सितंबर 2015 है और इसकी माँ की जो दूध की पैदावार है वो 20 लीटर पर डे है। बुल नंबर QB1092, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 19 जनवरी 2013 और डैम की पैदावार है 3061 लीटर पर लैक्टेशन। QB1092 माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत बुल है, इसका जो नंबर है वो QB1092 है और इसकी तारीख पैदाइश 19 जनवरी 2013 है और इसकी मां की दूध की पैदावार 3060 लीटर पर लैक्टेशन है। 645 प्रूवन, दोबारा बोलना है QB645 प्रूवन, ये हमारे पास वाहिद बोल जो प्रूवन खड़ा है इस वक्त। इसकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है और इसकी डैम की जो पैदावार है वो 3271 लीटर है और इसकी जो 25 स्टार्टर आई हैं उनकी जो दूध की पैदावार है वो अपनी डैम से ज़्यादा आई है, इसलिए इसको प्रूवन डिक्लेयर किया हुआ है। ये जी बुल नंबर QB645 है, ये प्रूवन बुल है, इसकी उम्र इस वक्त 19 साल है और इसकी जो माँ की दूध की पैदावार है वो 3271 लीटर पर लैक्टेशन है और ये प्रूवन है क्योंकि इसकी जो बेटियाँ हैं 25 बेटियाँ उनके दूध की पैदावार इस बुल की माँ से ज़्यादा है। बुल नंबर QB1210, इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 12 फरवरी 2016 और इसकी माँ की दूध की पैदावार है 3157 लीटर पर लैक्टेशन।
माशाल्लाह दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत नीली रावी नस्ल का सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद का बुल 12QB1210 आपको दिखाया जा रहा है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 2016 है और इसकी माँ के दूध की पैदावार 3115 लीटर पर लैक्टेशन फर्स्ट टाइमर, यानी पहली दफ़ा पेलन में है। तो दोस्तों, ये कादराबाद के जो बुल्स थे, वीडियो का पहला पार्ट ये अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला साहिवाल नस्ल के जो कादराबाद सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद के बुल्स हैं, उनका भी इसी तरह आपको रिकॉर्ड बताया जाएगा, वो वीडियो भी आएगी। और साथ में जो इसका नीली रावी नस्ल के जो बाकी बुल्स हैं, उनका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये वो बुल्स हैं जो आपको पहले वीडियो में दिखाए हैं, और कुछ बुल्स जो हैं वो, जो कि वीडियो लंबी हो गई थी वो नहीं दिखा सके, तो यहाँ पे जानवरों को तैयार किया गया है। ये वो आपको दिखाया जा रहा है। इसमें जो आज की वीडियो में आपको जानवर दिखाए हैं, इसमें QB1180 है और QB1022 है, QB1023 है, वो भी आपको दिखाया गया है, QB1241 है, QB1120, QB1213 और QB1097, QB645 और QB1210, ये 9 सांड हैं वो आपको दिखाए गए हैं। दोस्तों, सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद में जितने भी बुल्स सेलेक्ट किए जाते हैं, वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। इन बुल्स का पहले ट्रायोज टेस्ट होता है, यानी कि DNA टेस्ट, जिसमें बुल का टेस्ट होता है, उसकी माँ का और उसके बाप का टेस्ट होता है। और इनकी जितने भी जानवर यहाँ पे नर जानवर सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके माँ की, उनकी जो आने पहली जो नस्ल है, नानी की, दादी की, ये सारे जो दूध की पैदावार है वो देखी जाती है। उसके बाद इनको सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर इनका सीमन लिया जाता है। लेबॉरेटरी में सीमन तैयार करके जो प्रॉपर मैकेनिज़म है, उसके थ्रू सीमन जो है वो तैयार किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है, और फिर ये सीमन पंजाब के अंदर तहसील लेवल के ऊपर हर 10 दिन के बाद सप्लाई किया जाता है, ताकि इन जानवरों का सीमन हुकूमत पंजाब की तरफ से हर किसान के लिए हर यूनियन काउंसिल सतह पर मौजूद हो, ताकि हमारी जो मकामी नस्लें हैं उनकी पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाया जा सके और किसानों की जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। दोस्तों, ये थी वीडियो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने जानवरों का बहुत ही बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास नीली रावी नस्ल का भैंस है, तो उसको सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद का सीमन रखवाएं, और अगर आपके पास साहिवाल नस्ल की गाय है, तो उसे प्योर साहिवाल नस्ल गाय, जो प्योर साहिवाल नस्ल का बुल है, उसी का सीमन रखवाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।